राम राम जी। और कैसी हैं? ठीक है जीत जी। कहाँ गई थी? आज उन्हें है तो 15 अगस्त। आज सुबह लड़का वाले खूब निकले थे रैली लेके। रैली लेके निकले, रैली निकली वा तो सबरे बंदे मातरम तिरंगा झंडा कीजिए ऐसी प्यारी लड़कवाली लगा तो सब वही देखने लगे थे। बुला ला वो तो तना था मैं। अरे अब हल्ला मचो तो तुमने सुनो ना ये मैंने तो पेरू को। और सोमवती तुम कहाँ लो पड़ी हो? अरे जी जी मोए तो पढ़ा नहीं था मोरे बाप बता रही है 5 महीनो पढ़ाओ है और कहते के तो मैं नहीं पढ़ने आए हम तो रोटी सीख ले और बस तना ब्राह्मण घर बनन लगे। एक तो पढ़ाओ एक तो बस पढ़ ले और बस बताओ अब विभाग जा रहे हैं सो कहते इन्हों पढ़ाऊ है। सुपेल की मतारी बातें सही होती विज्ञान लगाते लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी अब ज़्यादा पढ़ा दो सुबह फिर अपने सब कछु के उन्हें फिर उसे लड़का नहीं मिला पढ़े लिखे। राय तो कहते हमारे पिताजी कि अब आई तुम्हें हम पढ़ा है नौकरी लग जाए है हम कहाँ तो लड़का ढूंढे हैं। आओ बिल्कुल सच है ऐसा क्या हती सब रिपेल मतारी बात मुझे तो पढ़ा नहीं दो जी बताओ अब मैं कछु नहीं जाना था ये सो तुम बताओ कि हो अब पढ़े लिखे वो थे तो हम सब कछु नहीं जानते नहीं जानते सब हम बताओ थे आओ आओ कछु नहीं जाना थी सुनो सांच गया कहती हूँ राम पहले का हो तो चौथी 5 महीने जो लो तो स्कूल हो गाँव में तो उसको पढ़ा दो और फिर कह दई घरी रोटी पानी सीखो और के लड़कियाँ का है घर से बाहर है निकली ज़्यादा पढ़ी लिखी तो डरती नहीं है फिर भी बदकाव करने लगती बड़ बढ़ के सब कछु जान लगती घर से बाहर जिद्दी ने कराना ही नहीं था हुआ कौन ने करन देते और फिर पहले एक तो भेदभाव है तो लड़का लड़कियों में अब तो फिर भी कनक समाज बदल गया है के पहले 6-6 लड़कियाँ हो जाती लड़कों के पीछे के लड़का चाने लड़का चाने और पता चले भी लड़का फिर एक गिलास पानी दे देते लेकिन उन्हें मरे जा और 10-12-15 साल की नहीं और ब्याह कर दो अब तुम अपने घर चाहे तुम्हारी जो कछू 10 साल हो सोते पटक दो ले जाके और कह देते कहते बताइयो ना कछू सासरे को दुख सुख है लड़कियों की ऐसी दशा हती मनो अब धीरे धीरे देखो मोदी जी ने योजना चलाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है सो वो अच्छी चलाई हुई योजना वो मैं लड़कियों फ्री में पैसा नहीं लगाती हैं और पूरी पूरी उनकी पढ़ाई और जो जो मतारी बाप की कई लड़की क्या है अकेली लड़का नहीं है उन्हों तो पूरी जितनी पढ़ाई करें भी लड़कियाँ फ्री में दे बहुत बदल गया अब जैसे पहले ही पढ़ा हो तो तुम्हें पढ़ा हो तो आज तुम नौकरी ना करती और सब कछु जानती है जो नहीं अपन नहीं जान पा रहे कैसे उतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो सब कित पीछे कर दो मकारी बात में हैं अपने ये इतनी इतनी गलत सोच के कारण के बेटियों को पढ़ा दो कौन जरूरी क्या है और बेटियाँ देखती नहीं है भाई अपने देश की प्रधानमंत्री बन गई बन गई राष्ट्रपति अरे प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बन गई बन गई आओ वे द्रौपदी मुर्मू है उनको नाम महामहिम द्रौपदी मुर्मू भैया बन गई हैं अपने देश की राष्ट्रपति हैं अब बताओ ये स्वच्छ लगा कि अपने देश की महिला राष्ट्रपति बनी है दूसरी या बन गई दूसरी देर है एक देर और पहल बनी थी आओ ये दूसरी देर बन गई हैं क्या सुनाना लगा तब लड़कियाँ देखो आज कहाँ जा रही हैं सब काम ये कर रही हैं और आदमियों से ज़्यादा करती काम औरतें घर में घर बाहर सब ये संभालती हैं मनो का करें पहल की सोच ऐसी हती के औरतों को तो घर को काम सीख लो और अपने घर रोटी बनाओ उतरो और घूंघट में ढकी बैठी जाओ इन्हें बाहर ने कर भी मिलने ने कछु कर भी मिलने मनो अब जो है कि अब मोदी जी ने जो अभियान चलाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसे कहा है बहुत जनता जागरूक हो रही अब लड़के वहाँ पढ़ाओ जा रहे हैं स्कूल बने उनके लाने अलग से हैं और खूब ही उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दो जा रहा हो हम तो जय कत हैं कि अब अपने संग जिया सुबह सुबह मनोभाग्य अपन हो सुधार करना और सब हो जाए बताऊँ मैं ये लड़कियाँ हाँ पढ़ाओ और आप पेल खाई नहीं रह रहो पेल जो मुझके लड़का के पीछे लड़कियाँ हो जाती अब हमारी बहन है लड़के ही भर है बिटिया मनो उन्हें दूसरों बाल बच्चों नहीं हुआ कहने लगी हमारी तो लड़की और
कहीं रोबत है, ऐसी पढ़ने में होशियार है वो विद्या, ऐसी फर्स्ट आउट है और अच्छी खूब पढ़ रही और अब अबैले अब नौकरी लग जाए सुबह छुपल को सुधार का मिल जाए सुबह लड़के लड़के का छुआ लग गया लड़का लड़की सो हम तो सबसे जाइए कहते हैं सब जनों से कि खूब बेटियों हो और लड़कों को फर्क न करें हैं सब एक समान है समान से खूब पढ़ाओ तो तुम चिंता न करो तुम्हारा पढ़ना पढ़ लो अब जब जब जानो जब जागे तब ही सवेरा तुम तो किताब ले आएंगे अपने तो बैठ के पढ़ाते रहे अभी ये सही तो हमें पढ़ाते रहे बैठ के बैठे आओ तो राम राम आओ तो चलो सीताराम।